हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी आप जान चुके हैं कि अब निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है एनसीईआरटी कक्षा 10 का। बच्चों, एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। आपको बता दें कि ये हमारे कक्षा 10 में तो है ही। आप एसएससी की परीक्षा चाहे रेलवे की परीक्षा चाहे जो कुछ भी परीक्षा देते हैं आप, उसमें भी आता है क्वेश्चन। और ये जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं चाहे रेलवे की तैयारी करते हैं, तो वो भी कक्षा 10 के इसी निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ते हैं और उस समय भी उनको 10 के ही लिए पढ़ाया जाता है। तो ये 10 का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, यह बेस है, यह हमारा आधार है। और इसी आधार को मैं एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूँ। किताबों में तो दो चार सवाल दे करके स्टार्ट कर दिया सीधे सीधे कोर्स, लेकिन बच्चों मैं सीधे सीधे कोर्स पर नहीं आऊंगा। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इंट्रोडक्शन पूरा कराऊंगा, पूरा जड़ से तैयारी कराऊंगा। जो बच्चे जड़ से जानकारी चाहते हैं निर्देशांक ज्यामिति का, वो जड़ से सीखे निर्देशांक ज्यामिति। मैं एकदम जड़ से शुरू कर रहा हूँ। मैंने इसके ठीक पिछले वीडियो में नहीं बताया था मैंने कि निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु किसे कहते हैं, पूरा परिचय बताया था मैंने। बच्चों आपको चतुर्थांश की पूरी जानकारी दे दी थी। मैंने यह भी बता दिया था कि कौन चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश की जानकारी दे दी थी। अब तक आप ये जान चुके हैं कि यक्ष क्या होता है, वाई क्या होता है। अब ये बच्चों हमारी दूसरी वीडियो है, और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर निर्देशांक पता हो तो ये बता सकते हैं कि यह निर्देशांक चतुर्थांश किस चतुर्थांश में है। अगर आपको बिंदु दिया हो, निर्देशांक दिया हो, तो आपको ये बता देना है कि किस चतुर्थांश में है। यानी बिंदु दिए होने पर, निर्देशांक दिए होने पर यह पता करना कि यह बिंदु किस चतुर्थांश का है। तो यही हम सीखेंगे बच्चों आज, ठीक है। तो यह भी सीखेंगे और एक और चीज सीखेंगे कि अगर बिंदु दिया रहेगा तो उसको निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल पर कैसे निरूपित करेंगे। यही दो चीज में सीखना है और गारंटी देता हूं आपको जरूर आ जाएगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, आते हैं। देखो बच्चों यहां पर दिया हुआ है, मैंने दूसरी वीडियो में आया हूं मैं, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं की कार्तीय तल में स्थिति बताइए। तो एक बार नजर इस पर डाल लीजिए, तो मैं फिर बनाऊंगा बड़ा में थोड़ा, देख लिया ही हमारा है। ये बच्चों यक्ष अक्ष होता है, ये खड़ा वाला क्या होता है, वाई अक्ष। हमने बताया था बच्चों को कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। मैंने इसलिए इसको नहीं मिटाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कम से कम कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब देखा जाए कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, धन धन, जो बिंदु होता है धन धन। दूसरा में माइनस प्लस, मतलब एक्स का मान माइनस, वाई का मान प्लस। बच्चों जो पहले होता है वो एक्स का मान, बाद वाला वाई का मान होता है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, और चतुर्थ में देखा जाए तो एक्स प्लस है, वाई क्या है, माइनस है। इतना हमें जानकारी होनी चाहिए, पहला चीज। फिर सवाल तो आएगी आराम से। अब हमें ये पता करना है बच्चों, केवल देख करके अगर बताना है तो भी बता सकते हो, देख के ही बता सकते हो, लेकिन हम बना रहे हैं एक बार फिर से बढ़िया से, आपको और बढ़िया समझ में जाएगा। देखो बच्चों दरअसल होता क्या है, अभी एक बार फिर से रिपीट हम आपको कर दे रहे हैं ताकि हमारे सभी बच्चों को आ जावे। देखो बच्चों, ये जो क्षैतिज रेखा होती है ये यक्ष अक्ष हो जाती है, और जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है क्या होती है, ये वाई यक्ष कहलाती है। अब बात आती है कि यक्ष अक्ष, देखो बच्चों अब दोनों जहां काटते हैं एक कटान बिंदु है, इसी बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों का मान एक्स, भुज और कोटि का मान जीरो जीरो होता है। अगर और आगे बढ़ा जाए, देखो बच्चों मूल बिंदु के अगर दाई तरफ बढ़ेंगे तो दूरियां धनात्मक होती हैं, धन एक, धन दो, धन तीन, धन चार, ये ध्यान देंगे बच्चों। अब मूल बिंदु के दाई तरफ बढ़ेंगे, इधर बाई तरफ बढ़ेंगे बच्चों, तो ये भी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। मूल बिंदु के बच्चों जब ऊपर जाओगे यानी वाई अक्ष की ओर जाओगे, धन दिशा में, ये वाई अक्ष है, ऊपर जाओगे तो भी दूरियां धनात्मक होती हैं। इसे ध्यान से याद कर लेना बच्चों, यही हम कहेंगे एक दो प्लस तीन, इस तरह से होता है। अभी नीचे जब जाएंगे तो दूरियां क्या होती है, माइनस ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन। अब तो उम्मीद करता हूं एकदम विधिवत समझ में आ गया होगा, इतनी जानकारी तो हमें होना चाहिए बच्चों। इसके बाद क्या करते हैं, अब ये पता करना है, अब मैं यहां हल कर दे रहा हूं विधिवत। पहले सवाल है, पहला सवाल क्या है, ए है, दो और तीन है बच्चों। अभी आप देखेंगे कि दो भी धनात्मक और तीन भी धनात्मक,
तो बताओ कि जब दोनों धान है तो किस चतुर्थांश में हुआ, प्रथम चतुर्थांश में हुआ, तो कैसे उत्तर लिखना है? इसका उत्तर ही लिख देना है आपको कि देखो बच्चों, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब देंगे आप परीक्षाएं, जब आगे जब एक कंपटीशन में बैठेंगे, तो ये एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि -3 और 5 किस चतुर्थांश में है, विकल्प देगा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो रट के तो कोई नहीं जाएगा ना, इसलिए रूल को जानना होगा। तो मैं एकदम जड़ से रूल ही सिखा दे रहा हूं ताकि तैयार है। केवल 10 का पढ़ना ये बहुत जरूरी नहीं है, वो तो मैं कोर्स पढ़ाई पर करूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज जानना है हमेशा। एक्स्ट्रा नॉलेज जिंदगी भर काम आता है, तो हमें जीवन के लिए पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमें ज्ञान के लिए पढ़ना है, केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है बच्चों, इसको हमेशा ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये कह रहा है कि 2 3, अब हम देखेंगे बच्चों 2 भी धनात्मक और 3 भी धनात्मक, जब चूंकि दोनों धनात्मक है तो किस चतुर्थांश में हुआ, धन प्लस में हुआ, लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, इतना ही काम करना है बस। अगर दूसरे सवाल की बात करें बच्चों, तो दिया है बी वाला, क्या दिया है, -3 और 5 दिया हुआ है, इसका हमें उत्तर लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों, यक्स का मान यहाँ ऋणात्मक है और वाई का मान धनात्मक है, देखा जाए तो यहाँ पर यक्स का मान ऋणात्मक है, वाई का मान धनात्मक है, तो किस में मिल रहा है, पहला ऋण बाद में प्लस, किस में, द्वितीय चतुर्थांश में। उत्तर क्या लिखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, बस यही आपको तैयारी करना है, यही शुरू है अभी, अभी तो नहीं समझ आते, शुरू हुआ है, असली तो बहुत कुछ बाकी है। फिर हम पढ़ेंगे ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तमाम चीजें पढ़ना है, लेकिन अभी तो शुरुआत है, इसलिए ध्यान देना हमें है बच्चों। ढंग से देखेंगे अभी, इत्मीनान से समझेंगे और देखेंगे। नंबर 3 में दे रहा है आपको सी, अभी दे रहा है -3 और -5। अगर उत्तर की बात करें बच्चों तो ध्यान देते हैं, तो यह भुज भी ऋणात्मक और कोटि भी ऋणात्मक, मतलब यक्ष का मान भी ऋण, वाई का भी मान ऋण, तो दोनों ऋण तो इसी में होते हैं, दोनों ऋण माइनस माइनस किस में है, तृतीय चतुर्थांश में, क्या लिख देंगे, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, बस इतना ही करना है बच्चों। चौथे सवाल की अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है, ये दे दिया है 3 और -5। अब देखिए, तो देखो यक्स का मान धनात्मक, वाई का मान ऋणात्मक है, कौन गिनती है, गिनती के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह को ही ध्यान देना है, बस चिन्ह से मतलब है यहां पर, 3 और ये माइनस है, प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है, चतुर्थ में होता है, तो किस में हुआ है बिंदु, चतुर्थ चतुर्थांश में, ये जो निर्देशांक है, जो ये बिंदु है, चतुर्थ चतुर्थांश पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला प्लस बाद वाला माइनस, कह देवा कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ये आपको करना है। और आगे हम बात करें तो पांचवे को ले लिया जाए, तो बच्चे 0 0 दे रहा है, तो 0 0 बताओ, ये मूल बिंदु है, इसी मूल है बिंदु का नाम 0 0 है, तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखना कैसे चाहिए, बाई दबे आ गया परीक्षा में, तो कैसे लिखेंगे, ये जरूरी नहीं कि परीक्षा में जो आपके बुक में हो वही परीक्षा में आवे, आपके नॉलेज के लेवल पर, आपके 10 के लेवल पर, अब जैसा भी लेवल आपका उसी लेवल पर आता है, कब आपको बस कोर्स तो अलग से पढ़ाएंगे, हम ध्यान देंगे इस पर, विशेष सब विशेषल है, इन्हें जानेंगे तभी कोर्स आएगा, अन्यथा इस तरह डायरेक्ट कोर्स पढ़ाना सही नहीं है। चलो बच्चों देखो, 0 0 हो गया, किसमें, ये मूल बिंदु, कह देंगे यह मूल बिंदु है, बस। और नंबर 6 पर देखा जाए, तो नंबर 6 पे क्या दे रहा है, यहाँ पे बिंदु यफ दे रहा है, क्या दे रहा है, 0 और 3 दे रहा है बच्चों, तो 0 और 3 मस्त आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, 0 और 3, एक पहले एक्स का मान 0 वाई का मान 3। अगर बात करें बच्चों 0, तो मैंने यह भी कहा था आपसे, एक विशेष ध्यान देना है आप, स्पेशल है, मैंने कहा है कि यहाँ पे 0 और 3, पहले 0 बाद में 3 है, तो बच्चों जो पहले होता है एक्स का मान, बाद में होता है तो वाई का मान,
देखो तो जीरो एक्स का मान कह रहा है, यहाँ जाता तो एक हो जाता है, यहाँ जाता तो दो हो रहा है, मतलब एक्स अक्ष पर भी परिक्रमी रेखा नहीं चल रही है, पीछे जाए तो -1 -2, लेकिन एक्स नहीं चल रहा है, मगर हाँ वाई का मान 3 दिया है, मतलब वाई 3 चल रहा है ऊपर की ओर, यानी वाई अक्ष पर गतिमान है बिंदु, बिंदु पथ सक्रिय है लेकिन एक्स अक्ष पर नहीं है। तो जिस पर सक्रिय होता है, यहां पर देखिए वाई सक्रिय है तो यह वाई अक्ष का बिंदु कहलाएगा। और ठीक आगे देखिए, देख लीजिए, अब 3 देकर पहले, अब बाद में 0 कर दिया, तब अब यक्ष सक्रिय है और वाई सक्रिय नहीं है। तो जो सक्रिय होता है यानी जिसका वैल्यू दिया रहता है वह उसी यक्ष का बिंदु कहलाता है। तो मोटा मोटा बात समझ लीजिए कि 0 और 3 पूछा जाए किस चतुर्थांश में है, तो किसी चतुर्थांश में नहीं होता है बच्चों, याद रखें, जब 0 0 के साथ गिनती आने लगे तो चतुर्थांश में नहीं अक्ष पर माना जाता है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। 0 और 3, वाई का मान दिया हुआ है तो कह देंगे वाई अक्ष पर स्थित है। अब ये एक्स का मान दे करके वाई का मान 0 कर दिया, क्योंकि एक्स का मान दिया हुआ है पहले देता है तो एक्स का मान हुआ, तो कह देंगे एक्स अक्ष पर स्थित है, बस। चलिए बढ़ते हैं। वैसे ये कहाँ है, एक्स का मान देकर वाई का मान दिया हुआ है, तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग वाई अक्ष पर स्थित है। क्या लिखेंगे, वाई अक्ष पर स्थित है। अच्छा बच्चों, अगर अब 7वां सवाल की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या कहेंगे इसको, 3 0 कौन मान दिया हुआ है, एक्स का मान कि वाई का मान। हाँ, पहले देता है तो एक्स का मान, अब बाद में दे तो वाई का मान, क्योंकि एक्स का मान दिया हुआ है तो कहेंगे यह एक्स अक्ष पर स्थित है। क्या कह देंगे, ये हमारा जो है आपका जी वाला है 3 और 0, कह देंगे उत्तर में एक्स अक्ष पर स्थित है। बस बच्चों, अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि अब जो है कि बिंदु दिया रहेगा उसे कार्तीय तल पर कैसे निरूपित करेंगे, ये बताने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला समझ में आ गया, अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 पर, इसको कैसे लगाना। अब देखिए, ये पहले वाले में तो मैंने बताया कि बिंदु दिया था और उसे यह पता करना था कि किस चतुर्थांश में, बस। अब क्या है कि बिंदु दिया रहेगा उसको कार्तीय तल पर निरूपित करना है, कि कैसे निरूपित करेंगे वो सिखाने वाले हैं, तो ध्यान देंगे बच्चों इत्मीनान से एकदम। चलिए सबसे पहले बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को कार्तीय तल में दर्शाइए, कैसे दर्शाएंगे, तो कार्तीय तल में दर्शाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाते हैं, ध्यान देंगे मुन्ना, ये हमारा हो गया यक्ष अक्ष, और हो गया बच्चों हमारा क्या हो गया वाई अक्ष हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यक्ष अक्ष, इसको इस तरह से यक्ष करके बाहर लगा देते हैं तो भी समझने के लिए है। इसे पूरा क्या लिखते हैं वाई अक्ष, नीचे वाई लगा के डैश लिख देंगे, जानकारी के लिए ध्यान देते हैं बच्चों कि जब दोनों अक्ष काटते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है मूल बिंदु, मूल बिंदु जिसका संख्या आता है 0 0, समस्त दूरियां मूल बिंदु से ही शुरू होती हैं बच्चों। इधर अगर हम लोग जाएं तो धनात्मक होती हैं, धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, इधर अगर बढ़े हम लोग तो -1 -2 -3 -4, ऊपर जाए तो धनात्मक होता है, इस तरह ध्यान देते हैं हम लोग विधिवत। चलिए बच्चों +1 +2 +3 +4 +5, कंफ्यूजन नाम का चीज ही नहीं होना चाहिए, नीचे आई विधिवत दम, -1 -2 -3 -4, हमारा कार्तीय तल कंप्लीट हो गया बच्चों। ये जो हमारा है वो प्रथम चतुर्थांश है, और ये द्वितीय है, और ये तृतीय है, और ये क्या है चतुर्थ है, इतना तो हमें जानना होगा पहला चीज, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये हमारा चतुर्थांश बन गया, इसी कार्तीय तल में इन बिंदुओं को आपको दर्शाना है, मैं बता रहा हूं कैसे दर्शाना होगा, ध्यान देते हैं। सबसे पहले दिया 2 और 3, यक्ष का मान 2 वाई का मान 3, तो 2 धनात्मक है 3 भी धनात्मक है, तो यक्ष जो है धनात्मक दिशा से चलेगा, ये धनात्मक दिशा 1 2 यहां चलेगा बच्चों, देखते हैं वाई 3 है तो वाई धनात्मक 3 ऊपर होता है, तो ये 2 से यहां चलेंगे 1 से ऊपर की ओर चलेंगे क्योंकि ये 3 धनात्मक है, अगर ऐसे चलेंगे
इस तरह से बैठाते हैं बच्चों, इस तरह से, और तीन से चलेंगे इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ दो ऋण तीन दिया होता तो दो दिया होता, तीन की जगह ऋण तीन होता, तो मुझे दो से ऋण तीन की ओर चलना होता, कब, जब ऋण तीन होता तब, ठीक है। ये जो बिंदु हो गया इसी का नाम क्या है, दो और तीन, नाम क्या है, बिंदु ए है। तो यहां पर हम ए दिखा देंगे, आपका यह बिंदु कार्तीय तल में फिट हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ऋण तीन पांच। अब देखो पहले यक्ष का मान ऋण दिशा में दे दिया, तो यक्ष का मान ऋण दिशा में इधर होता है, ऋण एक ऋण दो ऋण तीन यहाँ आएंगे, और वाई का मान धन पांच है, ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यक्ष का मान ऋण तीन है बच्चों, तो यहां से उठाएंगे और ऊपर की ओर जाएंगे, क्यों, क्योंकि वाई धनात्मक है, तो ऊपर की ओर चलिए, तीन से सीधे सीधे ऊपर की ओर चलेंगे। आपके पास ग्राफ होता तो और ढंग से हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आपको समझना होगा इस तरह से। और वाई कह रहा है इधर से पांच चल रहा है, ये पांच दिया है, तो वाई से हम पांच चलेंगे, जो काटेगा यही बिंदु कहलाएगा -3 और पांच। नाम क्या दिया जाएगा, बिंदु बी दिया जाएगा, यह भी आपका दर्शा दिया गया। अब है ऋण तीन ऋण पांच, यक्ष भी ऋणात्मक दिशा, वाई भी ऋणात्मक दिशा, नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों जगह कम था, थोड़ा सा मैंने और बढ़ा दिया अच्छा लगने के लिए, यह हो गया आपका वाई, आपका हो गया पांच, ठीक है। अब आते हैं यक्ष का मान ऋण तीन, यहां चलिए नीचे ऐसे करके, वाई भी, यहाँ वाई भी -5 है, यहाँ चलिए -5। दोनों का जो कटान बिंदु है यही बिंदु निर्देशांक के नाम से जाना जाता है, और इसका क्या है, -3 और -5 है, ये बिंदु क्या नाम दिया जाएगा, सी। अब कह रहा है कि तीन -5 यानी यक्ष का मान धनात्मक, वाई का मान ऋणात्मक, यक्ष धनात्मक दिशा में हो गया, तो एक धनात्मक दिशा में यहाँ है, वाई ऋण है, तो नीचे जाना पड़ेगा ऐसे, यहां से इस तरह से जाएंगे। तो ये हो गया आपका 3 -5, बिंदु का नाम क्या दिया जाए, बिंदु का नाम बच्चों ये डी है, ये बात समझ में आ गई, गुड। अब आते हैं इस बिंदु पर, अब देखो ना बच्चों, यक्स का मान 0 दे दिया तो ये चलेगा नहीं, वाई का मान 3 दे दिया, वो भी धनात्मक दिशा में, धन 3 दे दिया, तो वाई ऊपर हम 3 जाएंगे, अगर ऋण 3 हुआ रहता तब नीचे जाते, कोई बात नहीं है। तो यक्स का यहाँ वाई का मान 3 दे दिया है, तो यही बिंदु हमारा 3 हो जाएगा। गौर करने वाली है बच्चों, बस नहीं जाना एकदम, वाई का मान 3 तो बस 3 हो गया, यही बिंदु हमारा हो गया क्या, 0 और 3 हो गया, बस यही करना है आपको, बस जो मान दे गिनती वही चलो, 0 को छोड़ो। अब 3 दे के 0 दे दिया, तब यक्स का मान 3 दे दिया, वाई को 0 कर दिया, तभी 0 से कोई मतलब नहीं है, यक्ष का मान धनात्मक दिशा में 3 है, इधर 3 मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो ये 3 मिला, इसी का नाम है क्या, 3 और 0, इसका नाम क्या देंगे, बिंदु जी हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम बिंदुओं को कार्तीय तल में बैठा लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं अगले सवाल के साथ। बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।